हाय व्यूअर्स, वेलकम टू अरुण जूनियर। इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट learnnewy.com पे जाकर उसे डाउनलोड या अपलोड भी कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन एंड देयर अदर एलिमेंट। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर क्या मिलेगा हमें? कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड और देयर डेरिवेटिव्स। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के? मिथीन CH4, इथीन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इथेनॉल C2H5OH, इथेनल CH3CHO, इथेनोइक एसिड CH3COOH एक्सेट्रा। कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होंगे, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Most of the carbon compounds are non-conductor of electricity. These also shows that the carbon compounds are covalent in nature. They do not contain ion. Organic compound occur in all living things like plants and animal. Initially क्या रहेगा? Organic compound जो है were extracted from the natural material obtained from living things. The two characteristic property of carbon compound which lead to the formation of a very large number of organic compound वो क्या है? पहला है catenation and second है tetravalency. सबसे पहले हम discuss करते हैं catenation को। तो catenation क्या है? One reason for the existence of a large number of organic compound or carbon compound is that कि carbon compound जो होते हैं वो link होते हैं एक दूसरे से by means of a covalent bond to form a long chain or a ring of carbon atom. So the property of carbon element due to which an element can join with one another to form a long chain is called catenation. So it is the property of catenation of carbon atom or carbon element which is responsible for a very large number of organic compound. When carbon atom combine with one another with three types of chain can be फॉर्म। जब कार्बन एटम एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो वो तीन तरीके के फॉर्मेशन करते हैं चेन का। पहला है स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांचिंग और तीसरा है क्लोज चेन और रिंग टाइप चेन। इस फिगर में आप देख सकते हैं सामने कि 6 कार्बन एटम जो है वो एक आर इन द सेम स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में है, जबकि 6 कार्बन एटम सेकेंड वाले फिगर के अंदर क्या है? ब्रांच चेन के अंदर है। सो इट इज कॉल्ड ब्रांच चेन। तीसरा वाला जो फिगर है उसके अंदर आपने देखा है 6 कार्बन एटम लिंक हुए हैं टू फॉर्म अ क्लोज चेन और अ रिंग टाइप चेन। द सेकंड वन इज टेट्रावेलेंसी। अनदर रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और अ कार्बन कंपाउंड इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, जो कि काफी ज्यादा है। ड्यू टू दिस लार्ज वैलेंसी ऑफ 4 A carbon atom can form a covalent bond with a number of carbon atom as well as with a large number of other atom such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and many more other atoms. This lead to the formation of a large number of organic compound jinhe hum kya kahenge? Tetravalency. अब बारी आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, सेकंड हेलोएल्कीन्स, थर्ड अल्कोहल, फोर्थ एल्डिहाइड, फिफ्थ कीटोन, सिक्स्थ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं केवल, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। मींस हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। नाउ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन आर मीथेन, केमिकल फॉर्मूला CH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2 एक्सेट्रा। दे आर ऑल कॉल्ड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली विद टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। The most important natural sources of hydrocarbon is petroleum, which is obtained from
underground oil deposit by drilling oil wells. The natural gas which occurs above petroleum deposit are also contain hydrocarbon. तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या रहेंगे हमारे, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड. अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जिन्हें हम कहते हैं एल्किन्स. द हाइड्रोकार्बन इन विच अ कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम जो है वो कनेक्टेड रहेगा बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, वो क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो कॉल्ड एल्किन्स विच. अब एल्केन क्या हुए, एन एल्केन इज एन हाइड्रोकार्बन इन विच अ कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. देर आर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन एल्केन. एल्केन के अंदर केवल जो कार्बन एटम है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे. दस द हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड नोन एज एल्केन. और इन सबको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इन सब का क्या जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो आपके सामने शो हो रहा है. मीथेन का CH4, इसमें एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ में चार हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्टेड है. इथीन C2H6, दो कार्बन एटम छह हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्टेड है. प्रोपेन तीन कार्बन एटम आठ हाइड्रोजन एटम के साथ में कनेक्टेड है. ब्यूटेन चार कार्बन एटम दस हाइड्रोजन एटम के साथ में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है. सो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला है, या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या रहेगा, CnH2n+2, जहां पर n क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन की हम बात करें CH4, तो एक जनरल फॉर्मूला में अगर लिखा जाए तो n इज इक्वल इन टू वन, तो C1H2 × 1+2, यानी कि CH4 एक कार्बन एटम सिंगल है, कितने हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक है, चार के साथ, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन या मीथेन. तो केमिकल फॉर्म, तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो क्या रहा, CnH2n+2, जहाँ एन क्या रहेगा, कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम of one molecule of alkane. ये जो saturated hydrocarbon से alkane है, ये chemically not very reactive, they are quite unreactive. Second one is unsaturated hydrocarbons, या जिन्हें हम कहेंगे alkenes and alkynes. The hydrocarbon in which the two carbon atom are connected by double or triple bond, they are called unsaturated hydrocarbon. इथीन डबल कार्बन एटम के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, जबकि इथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड रहता है. दे आर द टू इम्पॉर्टेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इथीन कंटेन अ डबल बॉन्ड एंड इथाइन कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, इसलिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. द डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू कार्बन एटम, whereas the triple bond is formed by sharing of three electron pair between the two carbon atom. Unsaturated hydrocarbons are obtained mostly by petroleum by the process of cracking. Unsaturated hydrocarbon जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, those containing carbon carbon double bond जिन्हें हम alkene कहेंगे, and the second one is those containing carbon carbon triple bond जिन्हें हम क्या कहेंगे, alkyne. अब बात करते हैं पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन. एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन. एल्कीन के अंदर क्या रहेगा, दो कार्बन एटम जो रहेंगे वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड के साथ में इंटरकनेक्टेड रहेंगे बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके एग्जाम्पल क्या है, इथीन एंड प्रोपीन. जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका एल्कीन का, CnH2n, जहाँ पे सेम एज एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन. इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं. इफ एन एल्कीन हैज टू कार्बन एटम इन दर मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या रहेगा, एन इज इक्वल टू टू. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सी टू एच
टू इंटू टू और सी टू एच फोर, जो कि क्या रहेगा आपका इथीन का फॉर्मूला। एंड द सेकेंड वन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एल्काइन, एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या कहलाएंगे आपके एल्काइन। तो एल्काइन कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, जो कि किससे बनेंगे, बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका एल्काइन का, सी एन एच टू एन माइनस टू, जहाँ पे एन क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन। तो उसके एग्जाम्पल को देखते हैं, अगर मान लीजिए कि दो कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या रहेगा एन इज इक्वल इन टू टू। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना है इसका, सी एन एच टू इन टू टू माइनस टू, यानी कि सी टू एच टू, जो कि सबसे सिंपल वाला एल्काइन कौन सा है, इथाइन का। अब है हमारा टॉपिक एल्काइल ग्रुप। ग्रुप फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। वो ग्रुप जो कि एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम के रिमूवल के कारण बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल ग्रुप आर मिथाइल ग्रुप, इसका है सी एच थ्री हैश, इथाइल ग्रुप सी टू एच फाइव हैश। मिथाइल ग्रुप सी एच थ्री हैश इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है सी एच फोर। और इथाइल ग्रुप बनता है बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है सी टू एच सिक्स। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, जिसे कि आप सामने हमारे पास फिगर में बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है, सी एन एच टू एन प्लस टू, जहाँ की एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्काइल ग्रुप आर यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर आर। यहाँ आपको एक फ्री लाइन दिखाई गई है, जैसे सी टू एच फाइव के आगे एक फ्री लाइन है। इस फ्री लाइन का मतलब ये शो करता है कि कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप मीन्स डेट द वन वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फ्री इन द एल्काइल ग्रुप। एक कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो फ्री है एल्काइल ग्रुप में, इसलिए उसके आगे एक फ्री लाइन का सिंबल शो करता है। अब हमारा टॉपिक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अलावा भी कई तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनके अंदर कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो एक रिंग फॉर्म में होता है, और इस तरीके के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सीन। द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज सी सिक्स एच ट्वेल्व। मतलब क्या हुआ, द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सीन जो है उसके अंदर छह कार्बन एटम होंगे अरेंज इन अ हेक्सागोनल रिंग, विद विच कार्बन एटम जो होगा हैविंग टू हाइड्रोजन एटम, एंड हाइड्रोजन एटम जो होगा वो उसके एंड पे अटैच रहेंगे मिनिमम कितने, दो। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सीन को आपको सामने फिगर में शो हो रहा है बहुत ही इजीली, और उसका इलेक्ट्रॉन लॉस स्ट्रक्चर भी आप सामने फिगर में देख सकते हैं। इसमें देखने पर हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल हैज अ सिक्स कार्बन एटम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड अ ट्वेल्व कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। छः जो है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और बारह क्या है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सीन हैज बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग टू इलेक्ट्रॉन डॉट इस प्लेस ऑफ एवरी सिंगल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर दो डॉट प्लेस कर उस चीज़ को शो किया गया है। दिस इज बिकॉज एवरी सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। अब हमारा सेकेंड है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन। फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज सी सिक्स एच सिक्स। मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज मेड अप ऑफ सिक्स कार्बन एटम एंड सिक्स हाइड्रोजन एटम। बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको फिगर में सामने शो हो रहा है। इसमें देखने पर हमें ये पता लगता है डेट द बेंजीन मॉलिक्यूल हैज थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड थ्री कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इट ऑल्सो हैज सिक्स कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने पर आपको ये शो होगा कि जहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर दो डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट से उस पोजीशन को शो किया गया है, जबकि जहाँ पर
चार इलेक्ट्रॉन डॉट लगाए गए हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर एवरी डबल बॉन्ड इन इट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन डॉट हैं, और जहाँ पे दो एक सिंगल है एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डॉट से उसको शो किया गया है। दिस इज बिकॉज अ सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ शेड ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड।